नमस्कार, मैं अमिता जनमत लाइव से। आज की प्रमुख खबरें झारखंड बिहार से। झारखंड में श्रद्धालुओं के लिए अनलॉक हुए भगवान। इस बार भी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता पर रोक। छठी से आठवीं तक ऑफलाइन क्लास की भी दी गई अनुमति। गुमला में वारदात, ट्रक ड्राइवर की तेज धारदार हथियार से वर्कर की हत्या। पत्नी ने अवैध संबंध में जताई हत्या की आशंका। झारखंड में कोरोना के बाद अब मच्छरों का आतंक। राज्य के 18 जिलों में चिकनगुनिया, 15 जिलों में डेंगू और 12 जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस ने पांव पसारे। रिम्स में जी के 6 बच्चे एडमिट रांची। 146 दिन बाद खुला मां छिन्नमस्तिका का द्वार। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हुई माता की आरती। पहले श्रद्धालु गिरिडीह सांसद ने किया पूजा अर्चना। रांची के नाले में बहे बुजुर्ग, 12 घंटे बाद भी शव का पता नहीं। जल जमाव रोकने और सफाई पर 141 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने वाले स्मार्ट सिटी रांची की खुली नालियों में हर साल दम तोड़ रहे हैं लोग। रांची में बारिश से राहत। 80 घंटे की लगातार बारिश के बाद रांची में सुबह से ही नहीं हुई है बारिश। आज पूरे दिन छाए रहेंगे बादल, आज खिलेगी धूप। यहाँ 24 घंटे में 58 mm बारिश रिकॉर्ड की गई रांची। बालू मामले में ईओयू की छापेमारी। आईपीएस राकेश दुबे के पटना स्थित घर और फ्लैट पर पहुंची टीम। झारखंड के जसडी वाले घर और होटल में भी कार्रवाई जारी। नीति आयोग के साथ मुख्यमंत्री की बैठक। सीपीएम ने कहा, राज्य सरकार के खाते से डीवीसी सीधे पैसे ना काटे, बकाया जीएसटी भी दे। खाली हुआ जेएससी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन का पद। 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिजल्ट अटका। गरीब बच्चों के इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी भी होगी बाधित। छात्रों से जुड़े कई जरूरी काम में भी होगी देरी। सोशल मीडिया पर छलका स्पीकर का दर्द। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा, आसन पर आक्षेप लगाना सही नहीं है। अध्यक्ष की भूमिका कस्टोडियन की होती है। नमाज कक्ष के आवंटन पर हुआ था विवाद। पूजा करने आ रहे दो युवकों की मौत। 5 दोस्त बिहार के बरबीघा से रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर आ रहे थे। कुज्जू में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, 2 की मौत, 3 गंभीर। गढ़वा में पीएचडी का कैशियर 8,000 घूस लेते गिरफ्तार। पानी टंकी योजना में भुगतान के लिए मांग रहा था पैसा। पलामू एसीबी की टीम ऑफिस में ही रंगे हाथ धरी। खबरें बिहार से। आईजीआईएमएस में हेल्थ वर्करों की हड़ताल, इलाज की व्यवस्था चरमराई। पहली बार टाइम पर नहीं मिली सैलरी, नर्सों ने लिखा दे दी ताली और थाली जेब कर दी खाली। इकहत्तर वर्ग फीट का सैंड आर्ट, भगवा बंडी में दिखेंगे पीएम। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर दिखेगा सैंड आर्ट, बीजेपी कार्यालय में कला संस्कृति मंच ने तैयार करवाया। बिहार में अब तक 4.63 करोड़ लोगों ने लगवाया टीका। पीएम के जन्मदिन पर भरेगा वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप। 4.63 करोड़ वैक्सीनेशन में 3 करोड़ ने पहली और 82 लाख ने लगवाई दूसरी डोज। आरजेडी कार्यकर्ताओं को मजबूत और अनुशासित बनाएगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सबसे निचले स्तर की इकाई को पाठ पढ़ाएंगे विशेषज्ञ। बूथ स्तर पर पार्टी को खड़ा करना मकसद। पटना हाई कोर्ट ने हनुमान मंदिर मामले में किया तलब। पटना सिटी स्थित जल्ला हनुमान मंदिर की सुरक्षा पर किए गए अतिक्रमण मामले पर हुई सुनवाई। 21 सितंबर तक कार्य योजना बताने को कहा। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। कटघरे में पटना पुलिस रुपेश सिंह मर्डर केस में जिस युवक को 3 दिन तक हिरासत में रखा था, अब उसके परिजन 5 लाख का मुआवजा मांग रहे। अस्पताल में टॉर्च जलाकर काम करते दिखे मंत्री जी। सहरसा सदर अस्पताल में बेड पर नहीं दिखा चादर तो मंत्री जीवेश मिश्रा बिखरे। फाइल पढ़ने गए तो गुल हो गई बिजली। शादी के 20 साल बाद महिला प्रेमी संग फरार। मुजफ्फरपुर में अपने से 10 साल छोटे युवक से महिला को हुआ प्यार। आधार कार्ड बनवाने का बहाना बनाकर तीनों बच्चों के साथ भाग गई। गया में चोरों ने उड़ाए लाखों रुपए की ज्वेलरी। चोरों ने ज्वेलरी दुकान से चुराए लाखों रुपए के जेवरात। नहीं टूटा सेफ, बच गए भारी गहने। 8 महीने में 2 बार चोरी।
बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ पर किचकिच, बीजेपी के मंत्री बोले सीमांचल के मंदिर मठ पर कब्जा कर रहे घुसपैठिए, जेडीयू का जवाब प्रमाण दीजिए, हम धक्का देकर बाहर करेंगे। तेज प्रताप ने छोड़ा लांटेन और आरजेडी का नाम, छात्र जनशक्ति परिषद हाथ में लांटेन का चिन्ह बदलेगा, लेटर पैड पर आरजेडी भी नहीं लिखेगा, तेज प्रताप ने 24 घंटे पहले जारी किया था। बाढ़ ने तोड़ी पटना की 165 सड़कें, 3 लाख लोगों की जिंदगी हुई पानी पानी, 5,361 लोगों को कर दिया बेघर, प्रशासन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बक्सर में आग लगने से 6 लोग झुलसे, खाना बनाने के दौरान सिलेंडर करने लगा लीक, जब तक आसपास के लोग पहुंचे 2 साल के मासूम सहित 6 लोग झुलसे। धन्यवाद, जुड़े रहें जनमत लाइव.com के साथ।